सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। इस कहानी की लेखिका है विनीता मोहता। काली गहरी रात, दूर तक फैला हुआ अंधेरा, चारों तरफ सन्नाटा। उस सन्नाटे को चीरती हुई दूर कहीं जानवरों के रोने की आवाज आ रही थी। पेड़ पर चमकती दो आंखें मानो किसी का इंतजार कर रही हो। दूर दूर तक किसी गाड़ी या इंसान का नामो निशान नहीं था। तभी एक पक्षी के फड़फड़ाने की आवाज आई और पेड़ से उसकी लाश नीचे गिर गई। उन आंखों में चमक आ गई थी। तभी दूर से आती एक कार को देख चमगादड़ उड़ने लगे और जाकर उस कार के कांच पर चिपक गए। ड्राइवर को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और एक तेज झटके के साथ कार पेड़ से जा टकराई। पेड़ पर मौजूद सारे पक्षी उड़ गए और जंगल का सन्नाटा शोर में बदल गया, मानो सभी इस पल का इंतजार कर रहे थे। कार में से एक सुंदर सजीला नौजवान उतरा और कार की हालत देखकर पछताने लगा। यार, जब कभी मुझे कहीं जाने की जल्दी होती है तभी मेरे साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ होती ही है। अभी मुझे हर हाल में दिल्ली पहुंचना था, तभी तो रात को सफर किया। सबके मना करने के बावजूद शॉर्टकट लिया, मगर अब ये मुसीबत। वह कार का बोनट खोलकर चेक करने लगा, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा था। कार के बोनट में से धुआं ही धुआं निकल रहा था। कि यार, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। ये कार बिना मैकेनिक के चालू नहीं होगी। इस रास्ते पर तो गाहे बगाहे कोई निकलता है। रात के समय तो किसी का निकलना नामुमकिन है। अब शहर कैसे पहुंचूंगा? वो अपना मोबाइल निकाल कर किसी को कॉल करने की कोशिश करने लगा, मगर वहां नेटवर्क नहीं था। तभी उसकी निगाह रति बाला की हवेली पर पड़ी। बीच जंगल में हवेली किसकी होगी? जाकर देखता हूँ, शायद मदद मिल जाए। वो उस ओर जाने की सोच ही रहा था कि उसके सामने रति बाला आ गई। रति बाला अपने रूप से बिल्कुल अलग लग रही थी। झील सी गहरी नीली आंखें, सुर्ख लाल होठ, लंबे घने बाल। उस पर वन पीस पहने रति बाला किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी। अंकुश उसके रूप सौंदर्य के जाल में फंस गया था। वह एकटक उसे निहार रहा था। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जंगली जानवरों के रोने की आवाज तेज होती जा रही थी, मानो वो किसी अनहोनी का पूर्व संकेत दे रहे हो। मगर अंकुश पूरी तरह संकेतों को अनसुना करके रति बाला की आंखों में खोया हुआ था। जंगल में इस वक्त आप क्या कर रहे हैं? आप कहें तो मैं आपकी कोई मदद कर दूं। रति बाला की आवाज में भी कामुकता थी, जिसे सुनकर अंकुश और बहक गया। वो खामोश खड़ी होकर उसे देख रहा था और रति बाला जोरों से हंसते हुए बोली। इस सुनसान जंगल में किस सोच में डूबे हुए हो? क्या आपको पता नहीं यहाँ जंगली जानवरों का खतरा है? इसके पहले कि किसी जानवर का डिनर हो, आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए। रति बाला की हंसी से मानो अंकुश का ब्रह्मजाल टूट गया। वह बोला, आप कौन हैं? इतनी रात को इस सुनसान जंगल में क्या कर रही हैं? आपको डर नहीं लगता? मेरी तो पूरी जिंदगी इस घने जंगल के बीच में गुजर गई, मुझे यहाँ डर नहीं लगता। सामने देख रहे हैं, वो मेरी हवेली है। आप चाहें तो कुछ देर वहाँ रुक सकते हैं। सुबह होते ही मैकेनिक आपकी कार सुधार देगा, तब तक आप हमें अपनी सेवा का मौका दें। एक घने जंगल में हवेली, ऊपर से जंगली जानवरों का रोना। एक पल को अंकुश का भ्रम टूट गया। वह रति बाला की ओर देखकर बोला, जी मैं यहीं ठीक हूँ, बस आप मैकेनिक का इंतजाम कर दीजिए। आप सुनसान जंगल में जंगली जानवरों के बीच खड़े होकर खुद को कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, मगर एक खूबसूरत लड़की के साथ रात बिताने में परेशानी है। हमें आपकी सेवा का मौका तो दीजिए। रति बाला के कहने पर अंकुश मानो सम्मोहित होता हुआ उसके पीछे चलने लगा। मुझे तो लगा था बीच जंगल में ही पूरी रात बितानी पड़ेगी, मगर शुक्रिया आपका जो आपने मुझे अपने घर में रहने की जगह दी। जी शुक्रिया तो आपका कि आप हमारी मदद कर रहे हैं। मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, मगर कैसे? आइए हमारे पीछे आइए, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। कहते हुए रति बाला उसे देखकर मुस्कुरा रही थी और अंकुश मंत्रमुग्ध सा उसके पीछे पीछे चल रहा था। हवेली का पोच काफी गंदा था। ऐसा लग रहा था मानो बरसों से वहां कोई नहीं रहा हो।
पोच के चारों ओर सूखे पत्तों के ढेर थे। एक कोने से बहुत तेज बदबू आ रही थी। अंकुश ने उस ओर देखा तो हड्डियों का ढेर और कुछ मरे हुए जानवरों के शरीर पड़े थे। यह सब कुछ देखकर भी उसे समझ नहीं आया। वह रति बाला के पीछे पीछे पोच पार करता हुआ हवेली के दरवाजे तक पहुंच गया। रति बाला के पहुंचने से ही हवेली का दरवाजा खोला और दोनों अंदर दाखिल हुए। अंकुश कुछ कदम अंदर आया ही था कि हवेली का दरवाजा खट से बंद हो गया। अंकुश ने पीछे मुड़कर देखा तो रति बाला बोली, क्या बात है, तुम वहां पर क्यों रुक गए, आगे आओ। वो दरवाजा अपने आप खुला और बंद हो गया। रति बाला के चेहरे पर कुटिल हंसी थी। उसने अंकुश का हाथ पकड़ा और उसे सम्मोहित करते हुए अपने साथ एक कमरे में ले आई। अंकुश भी मदहोश उसके पीछे चल रहा था। कमरे में एक कुर्सी पर आदेश बैठा हुआ किसी जंगली जानवर का पेट खा रहा था। कुर्सी पर दो चमगादड़ उल्टे लटके हुए थे। उसकी आंखें लाल और चेहरा भयानक था। बड़े बड़े दांत और नाखून किसी के भी मन में भय पैदा करने के लिए काफी थे। यह नजारा देखकर अंकुश होश में आ गया। वह हवेली के उस कमरे को देखने लगा। कमरे के बीचों बीच शैतान की बड़ी सी मूर्ति थी जिसकी आंखों में आग जल रही थी। पास ही मरे हुए जानवरों का ढेर था। ये सब क्या है, तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आई हो? शायद तुम्हारी इसी हवेली के कारण कोई इस रास्ते पर आना पसंद नहीं करता, कहते हुए अंकुश ने अपने आसपास के डर को भांप कर हवेली से बाहर जाने की कोशिश की, मगर उसके पैर वहीं जम चुके थे। वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो, जवाब दो, कौन हो तुम लोग? अंकुश की आवाज में अब भय साफ साफ नजर आ रहा था। रति बाला गुस्से में अंकुश की ओर देखने लगी। उसकी खूबसूरत नीली आंखें काले गड्ढों में बदल चुकी थी। लाल खूबसूरत होठ लंबे नुकीले काले दांतों के पीछे छुप गए थे। बड़े बड़े नाखूनों से वह खुद को नोचने लगी। इस कारण उसके शरीर पर जगह जगह घाव बन गए जिसमें से खून टपक रहा था। कुछ देर पहले जो खूबसूरत लड़की थी अब एक भयानक चुड़ैल में बदल चुकी थी। मेरे सरताज की जय हो, अंधेरे के बादशाह की जय हो। आओ रति बाला, बहुत दिनों के बाद तुम इस कमरे में आई हो। सरताज, बहुत दिनों के बाद आपके लिए जवान खून की व्यवस्था कर पाई हूँ। इसके बाद उसने खून का स्वाद चखने के लिए कहा। यह सुनकर उसने कहा, सच रति बाला, ये जानवरों का बेस्वाद खून पीते पीते मुंह का स्वाद खराब हो गया। आज तो जश्न होगा, जश्न। उन दोनों की बातें सुनकर अंकुश का चेहरा पीला पड़ गया। वह कुछ कहना चाह रहा था मगर उसकी आवाज गले में कैद हो गई। चारों तरफ उन दोनों की भयानक हंसी गूंज रही थी। अचानक माहौल में खामोशी छा गई। रति बाला गर्दन झुकाकर खड़ी थी। वहां का माहौल देखकर उसके हाथ पैर ठंडे हो गए। वह भागने की कोशिश कर रहा था मगर कामयाब नहीं हो पाया। जाने दो मुझे, मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है, जाने दो। बिगाड़ा तो हमने भी किसी का कुछ नहीं। जैसे तुम्हें जिंदा रहने के लिए भोजन चाहिए, वैसे हमें मानव शरीर का खून। मगर तुम लोग हम लोगों से ऐसे दूर जाते हो मानो हमें जीने का कोई हक ही ना हो। जब तक मांगने से नहीं मिलता तो छीन लिया जाता है, जैसे आज तुम्हें बीच जंगल में रोक लिया। कहते हुए वह बहुत जोरों से हंस रही थी। अंकुश वहां से भागने के लिए अपने पैरों को उठाने की कोशिश कर रहा था मगर ऐसा लग रहा था मानो कोई भारी वजन उसके पैरों से बांध दिया गया हो। तभी उसे अपनी गर्दन पर किसी के हाथों का एहसास हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां आदेश खड़ा था। वो एक पल में कुर्सी से उसके पीछे आ गया। यह बात अंकुश के लिए एक पहेली बन गई। उसकी लाल चमकती आंखें और लपलपाते हुए होठों को देखकर अंकुश वहीं बेहोश हो गया। आदेश ने अपने हाथों की शक्ति से अंकुश का शरीर हवा में उछाल दिया। रति बाला, मेरे पिशाच बनने के बाद शैतान देवता को यह हमारी 107वीं मानव बलि है। बस एक और इंसान का खून शैतान देवता को चढ़ा दिया तो हम लोग बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे।
अमर हो जाएंगे हम दोनों। कहते हुए आदेश जोरों से हंसने लगा। रतिबाला भी उसके स्वर में स्वर मिलाकर हंस रही थी। मेरे इतने बरसों का इंतजार पूरा हो जाएगा। मेरे सरताज, हम दोनों मिलकर इस दुनिया पर राज करेंगे। उस खूबसूरत समय की प्रतीक्षा है। अगली बलि आखिरी बलि होगी, जो किसी साधारण मनुष्य की नहीं, किसी खास मनुष्य की होगी। ऐसा मनुष्य ढूंढना थोड़ा कठिन काम होगा। आप आदेश कीजिए सरताज, आपके लिए तो रतिबाला इस दुनिया के किसी भी कोने से उस इंसान को ढूंढ कर लेकर आएगी। लेकिन अच्छाई के देवता इस बलि को पूरा नहीं होने देंगे। इसके लिए तुम्हें खास मेहनत करनी होगी। अगली अमावस्या के पहले हमें वो बलि देनी ही होगी। चिंता ना करे मेरे सरताज, मेरे होते हुए आपको अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। कहते हुए दोनों के शरीर का खून पीने लगे और जंगल जानवरों के रोने की आवाज से गूंज उठा। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।